मित्रों नमस्कार। मित्रों आज हम अपने दैनिक जीवन पर चर्चा करेंगे। मित्रों आपने पूरी लाइफ एक एक पैसा बचाने के लिए पूरा जोर लगाया, कभी बेकार के कामों पर पैसा लगाकर इसे नष्ट नहीं किया। कभी आपने समझा ये पैसा आपने कैसे कमाया था? इस पैसे के लिए आपने अपना समय बेचा, समय खोया और समय लगाया। इसका सीधा मतलब है कि समय के द्वारा हम पैसा अर्थात अपना साधन कमाते हैं। लोग नौकरी में अपना समय बेचते हैं, दुकान और खेती में अपना समय ही लगाते हैं, तभी धन और साधन मिल पाते हैं। लोग महीने के खर्चे का बजट बनाते हैं, एक एक पैसे का हिसाब भी रखते हैं। हिसाब जब नहीं मिल पाता तो सारा दिन सोचते हैं कि न मिले हिसाब का पैसा कहाँ चला गया। इस पर दुखी भी होते हैं क्योंकि पैसा उनकी ज़रूरत है और पैसे से उन्होंने मन मिला रखा है। मित्रों कभी आपने विचार किया कि आप किसी एक काम में असफल क्यों हुए? क्योंकि आपने उस काम को इतना समय नहीं दिया जितना उसकी ज़रूरत थी। दिन में 24 घंटे होते हैं अर्थात 1440 मिनट। कभी आपने इसका बजट बनाया? कभी सोचा इसमें कितने का हिसाब नहीं मिला? इसके लिए कभी परेशान हुए? नहीं ना। जब समय ही पैसा और साधन कमाता है तो आप इसके प्रति लापरवाह कैसे हो सकते हैं? इसे मस्ती में मुफ्त का माल समझकर कैसे उड़ा सकते हैं? लेकिन अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ये साधन कहाँ से कमा पाएंगे? अगर आप ऐसे हैं तो देखिए अपने आप को, ऐसा करते हैं तो आपको भी परजीवी बनकर उन पर रहना होगा जो समय का हिसाब रखते हैं। हाँ आप उन्हें रास्ते से भटकाकर अपने जैसा बनाने की कोशिश भी करते रहते हैं और अनजानी मुसीबत की तरफ चलते हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो दिन रात के 4 या अधिक घंटे फेसबुक नेटफ्लिक्स के मनोरंजन पर खर्च करते हैं, रात 3 बजे तक देखते हैं और सुबह 9 बजे सोकर उठते हैं। उन्हें किस नाम से पुकारा जाए आप ही बताइए। हर दिन एक नया सवेरा और हर रात आखिर मौत ही तो है। आप इस 1440 मिनट को दिन के हम अच्छी तरह इनका उपयोग कर सकते हैं और अगर हम उपयोग करेंगे तो अपने जीवन की आगे आने वाली सभी सफलता पा सकते हैं। सुबह 4 से 7 बजे और सायं 6 से 9 बजे, ये समय 360 मिनट आपका है जिसे आप अपने को मजबूत बनाने में लगा सकते हैं। इतना मजबूत ताकि आप साधन पा सकें, शरीर मन वाणी ज्ञान विज्ञान से अपने आप को मजबूत करने का निरंतर अभ्यास करें। इसके अलावा 60 मिनट मनोरंजन हॉबी आदि के लिए भी आवश्यक है। 3600 मिनट की नींद आपको स्वस्थ रखेगी, आप अपने अनुसार इसे बना सकते हैं। व्यवस्थित जीवन का भोग करने वाला शारीरिक रूप से युवावस्था में मजबूत रहता है लेकिन यह मानसिक रूप से अक्सर कमजोर होते हैं। ढलती उम्र में ढेरों बीमारियां इन्हें घेर लेती हैं। व्यक्ति की दिनचर्या निश्चित होना सफलता की निशानी है। दिन के सभी कार्य प्रतिदिन निर्धारित क्रम से ही हों। इस बजट में समय का कोई कोना खाली या व्यर्थ न हो। इसे आप एक दिन सोते समय रिवाइज करो, अगले दिन सोते समय इसकी समीक्षा करते रहें और व्यवस्थित रहें। सोचें समझें अमल करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। आप इस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।